गाड़ी चढ़ा दी ऐसे गुंडों के पास आगे, वो कौन सी फॉर्च्यूनर होती, क्या होती, सफेद रंग गाड़ी होती है, उसमें बैठते हैं सब खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके पान खाते हो। कहाँ पे? नगर निगम में। यही पढ़ के आए हो तुम? यू डोंट क्वालिफाई टू बी एन एम्प्लॉय, व्हाट टू टॉक अबाउट एडिशनल कमिश्नर। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जस्टिस रोहित आर्य बड़ा ही मशहूर नाम है, आज की वीडियो में उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। रिटायर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में थे। अगर आपकी दिलचस्पी जुडिशरी की, जो कोर्ट रूम में होने वाली बहस है, जो लाइव हियरिंग है, उसमें रही है, तो आप इस चेहरे से 100% परिचित होंगे। बहुत ही इनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। रोहित आर्य साहब की रिटायर हो चुके हैं, 3 महीने पहले ही हुए थे, और जब तक ये पद पर रहे हाई कोर्ट में वहाँ, तो उनकी वीडियो इसलिए वायरल हुई कि उनके जो कमेंट थे, उनका जो तरीका था बात करने का, चाहे वो गवाहों से हों, चाहे वो अधिकारियों से हों, चाहे वो अभियुक्तों से हों, चाहे वो वकीलों से हों, चाहे वो कलीग से हों, वो बड़ा यूनिक रहा है। बहुत ही अच्छी उनकी जबान, बहुत ही तरीके से मजाहिया ह्यूमर के साथ, मतलब उनकी कोर्ट में एक लम्हा भी ऐसा नहीं रहा होगा जो आदमी बोर हो रहा हो, वो हमेशा चाहे कभी तेवर भी उनके मतलब बड़े लोकप्रिय हैं। तो आज वो चर्चा में इसलिए हैं कि रोहित आर्य साहब 3 महीने पहले रिटायर होने के बाद अभी हाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उन्होंने बताया कि भाई मेरी आइडियोलॉजी या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसके साथ मैं अपना आइडियोलॉजिकल कनेक्ट देखता हूँ, तो लिहाजा मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँ। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बारे में तो अभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इस बात से रोहित आर्य जी के एक बार फिर से ये बहस खड़ी हो गई है जो पिछले दिनों उठी थी, जब अभिजीत गंगोपाध्याय जज साहब अपने जो कलकत्ता हाईकोर्ट वाले गांगुली जी, वो कूदे थे मैदान में ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, टीएमसी के शिक्षक घोटाला, भर्ती घोटाला और तमाम दूसरे जो मामले थे भ्रष्टाचार के, उसमें वो वहाँ भी, वो भी बहुत लोकप्रिय रहे अपने तेवरों के लिए, अपने आक्रामक स्वभाव के लिए, अपने जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े आदर्शवादी किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही आइडियलिस्ट हैं, बहुत ही जुझारू हैं बड़ा, तो वो उतरे और अब तो खैर सांसद बन गए, आ गए संसद में, जीत गए वो लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो उस समय भी ये बात उठी थी। उसके बाद वहीं से एक और सज्जन रिटायर हुए जिन्होंने अपना बड़े गर्व के साथ बताया कि उनका आरएसएस के साथ, वो आरएसएस को ही अपने चरित्र निर्माण के लिए उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि बचपन से वो आरएसएस के मुरीद रहे हैं, आरएसएस के, ठीक है, आइडियोलॉजी हो सकती है। रोहित आर्य जी ने तो बाकायदा कहा कि मैं रिटायर होने के बाद, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया जागरण को, जागरण टीवी को वहाँ, और बताया कि साहब जज का एक पोस्ट रिटायरमेंट भी एक लाइफ होती है, उसको हक होता है दूसरे लोगों की तरह। बस इतना उन्होंने कहा कि देखिए जुडिशरी के पोस्टिंग के दौरान हम वहाँ निष्पक्ष होते हैं, ये उनका कहना है। कि मुझे बीजेपी को ज्वाइन करने के जो कारण है वो ये है कि ये पार्टी नेशनल पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों का समावेश है, इसमें इसका एक कल्चर है, इसकी एक संस्कृति है जो मेरे विचार सनातन काल की संस्कृति और अध्यात्म दोनों से जुड़ी हुई है, ह्यूमन वैल्यूज की ये कदर करते हैं, इनके कोर इश्यूज जो इनकी नीतियों में है वो अध्यात्म और संस्कृति दोनों को पिरोए हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरी फिलॉसफी हमेशा ये रही है कि चाहे मैं एज एडवोकेट रहा या एज ए जज रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि मैं लोगों के साथ न्याय, लोगों का न्याय दिलवा पाऊँ और लोगों के साथ न्याय कर सकूँ। मैंने कभी तकनीकी के आधार पे कानून की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं करी, मैंने हमेशा कानून को एक सब्सटेंटिव जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में इंटरप्रेट किया और लोगों को न्याय दिया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर न्याय देने के लिए आपको एक कंपैशन होना चाहिए, एक आपके अंदर एक आप अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए कि कैसे न्याय दें, तो इस परिप्रेक्ष्य में जब मैंने उस वक्त परसों 13 तारीख की बात है जब मैं वहाँ पे संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करने गया था, जिसमें मुझे मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने
तीनों तीन कानून जो भी क्रिमिनल लॉ में आए हैं उस पर बोलने के लिए बुलाया था। जी तो मैंने ये देखा मेरे मेरे वक्तव्य के बाद जो लोगों का वहां पे प्रतिक्रिया थी वो बड़ी सकारात्मक थी और बड़ी ओके बड़ी उत्साहित थी। और लोगों का जो हमने देखा व्यवहार और लोगों का जो देखा मैंने ये उनका 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 उनकी लगन, उनका व्यवहार, उनका उनका उनकी इच्छा और उनकी चेष्टाएं जिन्होंने व्यक्त किया कि साहब आपने इतना जो अच्छा वक्तव्य दिया है, आप हमारी ही संस्कृति के हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे परिवार का सदस्य बने। तो मुझे वैसे भी बीजेपी के चूंकि मूल सिद्धांतों से मैं वाकिफ मैं उनको मानता हूँ और मेरी जैसे मैंने कहा मेरी फिलॉसफी लाइफ के प्रति जो है उनके कोर इश्यूज और कोर नीतियों से मिलती जुलती है। तो मैंने उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं और मुझे ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी कि लोगों के साथ मैं पब्लिक लाइफ में रहता हुआ एक सब्सटेंटिव जस्टिस और कर सकूं। अब लोग कितना मानते हैं इस बात को, लोगों के तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ हैं। लोगों का तो कहना है कि भाई आप जुडिशरी के दौरान ऐसे लोगों ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल नहीं किया होगा, इस बात को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रोहित आर्य साहब के ऊपर भी जो आरोप हैं जिसकी वजह से वो बहुत चर्चा में आए थे, मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसकी जमानत को उन्होंने खारिज कर दिया था, और भी कई मामलों में उन्होंने जो मॉरल पुलिसिंग की बात उसमें हुई कई मामलों में, जैसे किसी महिला को जिसके साथ दुराचार वगैरह की बात हुई तो उसको उन्होंने राखी बंधवाने के लिए कहा आरोपी के साथ, तो कुछ ऐसे बड़े सारे उनके साथ मामले रहे जिसमें उनका जो नज़रिया है, जो उनका दृष्टिकोण था न्याय देने का, जो उनका तरीका था उसको लेकर के सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस मामले में मुनव्वर फारूकी के मामले में उनके आदेश को तो नहीं माना, उनसे तो सुप्रीम कोर्ट की इत्तेफाक थी नहीं, उसको लेकर वो चर्चा में आए थे। बाद में तो खैर वो वायरल जो जज साहब हुए उनमें से एक प्रमुख नाम रोहित आर्य जी का था, जिन लोगों की दिलचस्पी सुप्रीम कोर्ट में जो या हाई कोर्ट की बहसों में जो होती है ना, जिस तरह के कमेंट वो करते थे और बड़े जबंग तरीके से, मुझे भी याद है उन्होंने नारकोटिक्स के मामले में जो तरीके से उन्होंने बात की थी, मतलब पूरे सम्मान के साथ पूरे उनके प्रति आदर भाव के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो शब्दावली थी, उनका जो तरीका था, वो फिल्मों में बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, बहुत अच्छे पटकथा लेखक, बहुत अच्छे मतलब वाकई अगर वो कहानियाँ लिखें, अगर वो फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखें वेब सीरीज की, तो पहले दिन ही वो सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये उनके ऊपर कोई नेगेटिव बात नहीं है। हमने भी वो बहुत सारी बहसें देखी हैं जिसमें वो फॉर्चुनर गाड़ी के मामले में किसी आदमी ने कुचल दिया था तो उसका मामला आया, तुमने पूछा कौन सी गाड़ी थी, अरे वो फॉर्चुनर, और बड़ा अंदाज उनका वो था, वो कोशिश करते कि आपको वो दिखाते भी। गर्मी है, गाड़ी चढ़ा दी ऐसे गुंडों के पास आगे, वो कौन सी फॉर्चुनर होती, क्या होती, सफेद रंग गाड़ी होती है, उसमें बैठते हैं सब खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके, पान खाते हुए, और एक आध सोने की चेन लटकी रहती गले में। मुकदमा वापस भी नहीं तो मैं मार डालूंगा, चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, कहाँ पोस्टेड हो, तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है, जेल जाना है, क्या नाम है तुम्हारा, तुम चपरासी के लायक नहीं हो। की लो वकील जैसे बोलो, थोड़ा सा दहाड़ो भी नहीं और इतने शांत भी ना रहो, एक मॉडरेट वे में बहस करो, समझ में आवे क्या ये कौन सा तरीका है। अरे कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो कोर्ट से भी होती है क्या, कौन है वहाँ का, हु इज द इंचार्ज देयर, अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो आई विल सेंड टू जेल टुडे, हु इज पॉइजनिंग योर ईयर, वेयर इज दैट स्टिपुलेशन, कहाँ का इंजीनियर है ये, इंजीनियर है सर, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ नगर निगम में। कहाँ पे, नगर निगम में सर। यही पढ़ के आए हो तुम, यू डोंट क्वालिफाई टू बी एन एम्प्लॉय, व्हाट टू टॉक ऑफ एडिशनल कमिश्नर। मेरे प्लॉट से सर बिल्कुल वो ओपन जा रही है सर, और एक एक अधिकारी को मालूम है, कमिश्नर स्वयं निरीक्षण कर आए हैं और स्पष्ट कहना उनका कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर। अमृत काल छोड़ो, बेसिक काम तो करो अपने, जिसके लिए नौकरी कर रहे हो, जिसके लिए तनख्वाह पाते हो तुम,
जिसके पब्लिक से टैक्स लेते। क्या कौन क्या सीज हुआ आपसे? सर मेरे से जब तक कुछ भी नहीं हुई है। एलिगेशन जो है किसके संबंध में? एलिगेशन ये आया है कि मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, पुलिस ने जब चेकिंग की तो उसकी जेब में से 20 ग्राम स्मैक निकली है। मेरी जेब से कुछ भी नहीं निकला है। 20 ग्राम स्मैक? बस रोशन, मेरे से केवल मोटरसाइकिल जब्त हुई है। क्वांटिटी हुई बताओ। तलाश तो जेल में है आप? रोशन 2 अक्टूबर से जेल में हूँ। ओह माय गॉड, बहुत हो गया तुम्हें तो यार। 20 ग्राम में होता ही क्या है? कितने की होगी 20 ग्राम? 5-10 रुपए की? लाखों में। लाखों में? लाखों में स्मैक लाखों में बिकता है? अक्षर लाखों में, पर मुझसे जब्ती नहीं हुई है। ये पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया। सर मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने भी पढ़ा है सर, 2 लाख रुपए के आसपास, 1.5 लाख के आसपास है सर। कहाँ लिखा है ऐसा? सर इस केस में स्मैक तो कहीं भी मिल जाता होगा। सर मिलता है कहीं भी नहीं है सर, आसानी से नहीं मिलता सर, इसलिए मुकदमे भी इसके बहुत ही कम आते हैं सर हम लोगों पर। हाँ ये बात तो सही है, और उसको हम पेंडिंग रखें ज्यादा अच्छा है। भाई मुकदमे कम आते हैं मेरे पास, और आज ये मुकदमा खत्म कर देंगे तो क्या मतलब हुआ, मुकदमा आना बंद हो जाएगा। सर 2 लाख के आसपास है, लेकिन इस केस में नहीं, किसी एक अन्य केस में पड़ा था मैंने, 2 लाख के आसपास लगभग होगी इसकी 20 ग्राम की कीमत। ये हम बहुत मुकदमे करके आ रहे हैं इंदौर से, मैं भरा पड़ा ऐसे मुकदमे। 20 ग्राम इसमें कुछ मायने रखता है? वकीलों को, अफसरों को जो झाड़ लगाते थे, रोहित आर्य साहब, विवेक अग्रवाल साहब, दूसरे भी कई जज साहब थे, वो इतना पॉपुलर हो गए, लाखों में लोग उसे देखने लगे, और शिकायतें आ गई, वकीलों को लगा कि उनकी खतरा हो गया, अफसरों को लगा कि था उनकी तो अफसरी उड़ रही है, क्योंकि पहले जो होता था वो बंद उसमें होता था, बाहर पब्लिक को नहीं पता होता था। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद ये हुआ कि अब तो सब देख रहे हैं, सबको मालूम, और फिर वो जब मीनमेक निकाल रहे हैं जज साहब, चाहे वो वकील की हो कि आप पढ़ के नहीं आए हैं, तैयारी नहीं करके आए, पैसा मत बोलिए, और रोहित आर्य जी के तो बेशुमार हैं, रोहित आर्य साहब के। अब सवाल जो इस समय बहस जो खड़ी होती है नैतिकता की, जुडिशियल प्रोप्राइटरी की, वो ये है कि क्या रिटायर्ड जजों को ये अधिकार होना चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड के बिना? ये तो अभी 3 महीने के अंदर ही आ गए, और वो तो खैर नौकरी छोड़ के ही कूद पड़े थे, अभिजीत गंगोपाध्याय जी, तो ये तो एक अलग तरह का ट्रेंड दिख रहा है। तो फिर ये ट्रेंड जो है, चूँकि इस समय लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, जिसको चेक एंड बैलेंस की है, वो निभा रही है जुडिशरी, बस वही कब्जे में तो नहीं आई है हुकूमत के, बाकी तो आ गया सारे डिजाइन हुकूमत के, मौजूदा जो निज़ाम है हमारा उसके लगभग पहुंच गए थे, बस वो 1 मीटर पहले, जिसको कहते हैं ना फिनिशिंग पॉइंट से पहले, वहां अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो यही आ रही थी कि जुडिशरी पूरी तरह से पंजे में नहीं आई, पूरी तरह से कब्जे में नहीं आई। अब इसे आप देश का सौभाग्य कहिए, इसे आप लोकतंत्र का सौभाग्य हमारे कहिए कि जुडिशरी ने, उस पर भी विवाद है, क्योंकि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म तो है नहीं, लोग उसमें भी बातें कर रहे हैं, लोग उसमें भी आलोचना कर रहे हैं, लोग उसमें भी कमी निकाल रहे हैं, लोग उसमें भी इन्हीं चंद्रचूड़ जी और इन्हीं तमाम खन्ना साहब और आपके दीपांकर दत्ता जी, इनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया, दोनों तरफ से ट्रोलिंग हुई साहब, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ट्रोलिंग हुई है, हम तो ईमानदारी की बात कहेंगे, क्योंकि लोगों की भी उम्मीद है कि हम कुछ ना करें, सब कुछ आप कर दो, खुद कुछ नहीं करना, आप कर दो सब कुछ, थाली में मिल जाए सब कुछ। तो ये दोहरापन तो हमारे उसका हिस्सा है ना चरित्र का, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये जो जुडिशियल प्रोप्राइटरी की बात है, उस पर जब तक इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, जब तक एक सोची समझी लाइन नहीं बनाई जाए कि कौन इसको क्रॉस कर सकता है, कौन इसको नहीं क्रॉस कर सकता है, क्योंकि कानून नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल है, कानून तो होना ज़रूरी है। अब वो कैसे बनेगा, वो प्रोटोकॉल कैसे बनेगा कि क्या नियम हो, किस तरीके से उसको देखा जाए बदले हुए उसमें, अब इतने मामले सामने आते हैं, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है। आप सबने इन दिनों देखा होगा, ये वैसा ही मामला है जैसा आप सबने देखा होगा, है थोड़ा सा दर्दनाक लेकिन उदाहरण देना पड़ेगा, आर्मी में अभी जो हमारे शहीदों को लेकर के एक अलग तरह की बहस चली, अग्निवीर और वो सब तो चल रही है, 1 रैंक 1 पेंशन वाली, लेकिन अभी एक दूसरा मामला सामने आया कि कई हमारे ऐसे शहीद हैं जिनके निधन के बाद उनके परिवारों के बीच में मुआवजे और जो सेना से जो भी उनको सहायता मिलती है उसको लेकर के बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस बीच में समाज बदल गया, परिवार बदल गए, मसलन अंशुमन सिंह की बात देख लीजिए, मसलन वो दूसरे एक एयरफोर्स के हैं उनकी बात देख लीजिए जो शहीद हुए, उनकी माताजी कह रही कि भाई मैं अकेली रहती हूँ, 66 साल की उनकी उम्र है, तो वो कह रही कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं किसके सहारे रहूँ, मेरा तो इकलौता मेरा बेटा था, तो जो कुछ मिल रहा है उसकी पत्नी को मिल रहा है वो अपना अलग, अच्छा उसको भी जीवन जीने का हक है, अंशुमन जी के मामले में भी यही है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि क्या नियमों में बदलाव करके हमें
ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि जो शहीदों के आश्रित हैं उनमें अनुपात के प्रोपोर्शनली कि माता पिता मान लीजिए दोनों हैं, अब उन्हीं में तलाक हो जाए, संभव है आज की तारीख में? मान लीजिए केस स्टडी ये हो कि एक कोई शहीद जो बहुत कम उम्र में 26 साल 23 साल 24 साल 25 साल इस तरह के कैप्टन वो जो आ रहे हैं सामने, अब उनको जो भी आर्मी की तरफ से सरकार की तरफ से पोस्ट जो भी पोस्टोमसिया कह लीजिए कि शहीद होने के बाद मृत्यु उपरांत जो भी सुविधाएं हैं सहायता है वो कैसे बटे ताकि उसका सही वारिस किसको माना जाएगा? अगर नॉमिनी के तौर पे वो पत्नी का नाम लिख गया है और पत्नी अब 26 साल की है, कौन ये नहीं कहेगा कि वो अपना जीवन शुरू ना करे? उसको तो विवाह करना ही चाहिए, ठीक बात है, तो वो विवाह कर लेगी। अब अगर सारा उधर चला जाएगा तो जो माता पिता हैं उनको जिम्मे क्या आएगा, वो कैसे रहे और उनका बेटा वही था जिस पर वो आश्रित थे, तो कैसे करें? तो ये उदाहरण सिर्फ हमने इसलिए दिया कि ये जब बदलता वक्त है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, नई नई चुनौतियाँ सामने आती हैं, पहले परिवारों में ये सब चीज़ें नहीं थी। आज की तारीख में ये बात सुनना शायद बड़ा अजीब लगेगा जब हम अंशुमन सिंह के पिता से सुनते हैं कि मैं छोटे बेटे से शादी करा दूंगा, ऐसा प्रस्ताव किसी ने भी दिया, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पहले ये प्रथा होती थी, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमें नज़रिया बदलने की और उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। बस यही हमारा पॉइंट था, इतना ही उसका संदर्भ था, बाकी चीज़ों में हम अभी नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे। तो ऐसे ही आज जब वक्त बदल रहा है और उसमें जुडिशरी उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और ये दिखाई दे रहा है कि जुडिशरी में राजनीतिक जो इंक्लिनेशन है वो एक बड़ा कारक, बड़ा एक्टिंग एजेंट, एक्टिवेशन आप जो भी उसे कहिए, एक बड़ा डिफरेंशियल है, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो फिर मतलब एक ऐसी बात कर रहा है जिसकी जमीनी हकीकत नहीं है, तो उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। सच्चाई यही है कि इस दौर में हर चीज़ राजनीतिक रंग ले चुकी है और सियासत हुकूमत पूरी तरीके से सारे नियम कायदे सिद्धांत ताक पर रख के उसकी सिर्फ एक ही सोच है किसी भी तरीके से पावर हाथ से न जाने पाए, उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है जुडिशरी के अंदर ये प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाएँ, ये तय किया जाए कि भाई कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ताकि इस बात की जो आशंका है कि आपने पद पर रहते हुए अगर अपने जमीर को थोड़ा सा भी वो कर लिया, वो हम तो नहीं कह सकते कि कैसे होगा, लेकिन उसका असर कहाँ तक जाएगा? रोज जो हम देखते हैं अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के जो जजमेंट सामने आते हैं वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसी तरफ तो कर रहे हैं ना। तो उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तय हो कि तब आप 3 साल 2 साल 1 साल 5 साल जो भी सब लोग उचित समझें, ताकि इस बात की आशंका खत्म हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए अपने पद का उसने थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लिया तो फिर कहाँ पहुँचेंगी चीज़ें और उन लोगों के साथ क्या होगा? आज मनीष सिसोदिया के मामले में जब हम सुनते हैं या हम न्याय बिंदु जी ने जजमेंट दिया, पूरी जुडिशरी ऊपर से चिल्ला कर सीजीआई कह रहे हैं गला सूख गया कि भाई ट्रायल कोर्ट काम करे, ग्राम न्यायालय की बात वो कर रहे हैं, लोग तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते, लोग तो बात ही नहीं करना चाहते। उस पर भी हम बताएंगे कि ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट था कि जुडिशरी को डीकंजेस्ट किया जाए, तो आपकी क्या राय है इस मामले पर, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जुडिशरी में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी जज हो, अगर वो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन पर कोई पाबंदी होनी चाहिए, कोई समय का उनके ऊपर वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होने का उनके ऊपर होना चाहिए कि आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते, क्या होना चाहिए? ये आप भी हमें बताएं, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि इस पर कुछ ना कुछ एक 3 साल का 4 साल का गैप होना चाहिए, ताकि वो जो क्विड प्रो की कोई इतनी सी भी गुंजाइश है वो ना रहे। बाकी तो तरीके हर चीज़ के निकल जाते हैं। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ और हम इस मामले में फिर आपको आगे की खबर देंगे। नमस्कार।